सत श्री अकाल ते वेलकम तुहाडा सारा ने एक बार फिर तो साडे एम कैन इमीग्रेशन दे यूट्यूब चैनल दे उपर। मेरे नाम प्रीतिपाल सिंह गिल, मैं मैंबर हाँ सी आई सी सी का। साल 2022 दियां पहलां तां तुहानूं सारयां नूं बहुत बहुत मुबारकां ते शुभकामनावां। वाहिगुरु करे कि तुहाडे जो भी सुपने तुसीं संजोए होए ने साल 2022 दे विच ओह तुहाडियां मनोकामनां जरूर पूरियां होण। अज आपां इस वीडियो च खास गल करनी आ स्पाउजल ओपन वर्क परमिट दी एप्लीकेशन नूं लैके। इहदे बारे रेगूलरली सानूं बहुत तरह दे सवाल पुछे जांदे ने कि की इहनां एप्लीकेशन दे उपर प्रोसैसिंग चल रही है और कितनी तेजी ना चल रही है, किहड़ियां एप्लीकेशन दे इस टाइम ते रिजल्ट आ रहे हैं। मैं इतने क्लैरीफाई करदा हां कि साल 2020 दी एप्लीकेशन दे उपर हुण रिजल्ट्स रेगूलरली आ रहे हैं। साल 2020 दियां जिन्नियां भी एप्लीकेशन जून तो ऑनवर्ड्स लगियां ने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ईवन लॉकडाउन तो पहला जिहड़ियां एप्लीकेशन लगियां सी जिथे तुहानूं इंटरव्यूज शड्यूल होईयां होईयां सी, उहनां दे भी हुण इंटरव्यूज आउणियां शुरू हो गईयां ने और रेगूलरली ये रिजल्ट आ रहे हैं। साल 2021 के रिजल्ट पूरी तरह नहीं आ रहे, बिच-बिच कोई कोई रिजल्ट आ जाता वा, बट 2020 के जो रिजल्ट ने रेगूलरली हुण आ रहे हैं। इतने बड़ी चिंता बार बार जाहिर की जाती है एप्लीकेंट्स वालों, क्योंकि ये जो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट का प्रोसैस से काफ़ी लंबे समय तो रुकिया होया और आप जानते हैं कि बड़े नाजुक जहा रिश्ता हों जिथे कैनेडा बैठा स्पाउज और इंडिया बैठा स्पाउज के काफ़ी तरह के इशूज़ भी रेगूलरली देखने मिलते हैं बिकॉज ये प्रोसैसिंग दे स्लो होने करके। और इतने एप्लीकेंट सानू पुछते हैं कि यदि आवाज़ क्यों नहीं चक्की जाती इमीग्रेशन कैनेडा को। मैं क्लैरीफाई करता वहाँ कि असी बड़ी बार आवाज़ चक्की है स्पाउज़ नू लैके, और लास्ट टाइम ईवन जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी यदि चिंता जाहिर की थी जब मैंडेट उन्होंने जिहड़े नवें इमीग्रेशन मिनिस्टर ने मिस्टर शॉन फ्रेज़र उन्होंने दिता सीगा। ना सिर्फ ये जो ओपन वर्क परमिट दे स्पाउज़ ने इन्हां दीआं एप्लीकेशन के उपर प्रोसैसिंग के डिले आ रहे हैं, बल्कि जिहड़े परमानेंट रेजिडेंट ने उन्हां दीआं स्पाउसिज़ जिहड़ियां बैक होम इंडिया बैठिया ने या कैनेडा तो बाहर ने जिहड़े, उन्हां दी प्रोसैसिंग ते भी काफ़ी इशूज़ देखने मिले ने, उन्हां दी प्रोसैसिंग भी काफ़ी स्लो आ। तो बट हुण रेगूलरली इहदे रिजल्ट आ रहे हैं और मैनूं उम्मीद आ कि हुण अगर ये पेस इदां ही चलती रही तो आने वाले 2 महीनों के तुहानूं काफ़ी तरह के जिहड़े रुके हुए रिजल्ट ने वह देखने को मिलणगे आपां। तो यह ना सोचो कि ये बारे कोई आवाज़ नहीं चक्की जा रही, रेगूलरली ये बारे आवाज़ चक्की जा रही है और जो तुहाड़ियां चिंतावान ने वह रेगूलरली अगे पहुँचाई जा रही, दसिया जा रही ने, क्योंकि बैकलॉग ही बहुत बड़ा सीगा सारी फाइल्स का, उन्होंने हुण थोड़ा जिहा वक्फा जरूर लगेगा। आप जिथे इन्नी पेशेंस रखी है, उम्मीद है मैंने कि आने वाले 2-3 महीनों के काफ़ी रिजल्ट जो 2020 के भी और 2021 के भी जो रिजल्ट ने पेंडिंग रिजल्ट आते हुए जल्दी नज़र आएंगे। अच्छी थोड़ी एक मुलाकात भी कराने साडे रीसेंटली सक्सैसफुल एप्लीकेंट के नाल, इन्होंने फाइल अक्टूबर नवंबर के लास्ट ईयर लगाई सी 2020 और इन्होंने सक्सैसफुली इन्हों और इन्हों की बेटी वीज़ा मिलया वा ओपन वर्क परमिट का, और यह हुण दिसंबर के ही इन्होंने फ्लाई किया वा। उन्होंने छोटी जी एक इंटरव्यू तुहानू असीं दिखाउने आ। साडे नाल साडे जे क्लाइंट ने जिन्हां दा स्पाउस ओपन वर्क परमिट का कैनेडा का वीज़ा लग्या वा रीसेंटली, बहुत लंबा इंतजार किया इन्होंने, अक्टूबर नवंबर के फाइल रखी सी 2020 और जब कोविड का लॉकडाउन सीगा काफ़ी 9-10 महीनों बाद इन्हों का रिजल्ट आया वा। इन्हों की वाइफ साढ़े को पौने तो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट जब कैनेडा गए थे मॉन्ट्रियल के, बड़ा कॉम्पलैक्स केस इन्हों की वाइफ का सी। पहली गल तो 10-11 साल का पढ़ाई के गैप सीगा, उदू बाद इन्होंने पहला 1-2 वीज़े अपलाई किए थे जिन्हें बड़ी कॉम्पलैक्सिटीज इन्हों के कंसल्टेंट ने पा दी सी, बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन देती सी, सानू काफ़ी वक्त लग्या उन्होंने वो कॉम्पलैक्सिटी ठीक करने, उस तो बाद काफ़ी रिफ्यूजल से साढ़े को आके भी फिर उन्होंने वाइफ के इन्होंने रिफ्यूजल लगे दो, बट इन्हों का विश्वास बड़ा साढ़े से। फाइनली उन्होंने असी उनका वीज़ा मिल गया, वो कैनेडा चले गए, हम 2.5 साल तो वो कैनेडा च पढ़ रहे हैं। उस तो बाद असी जब इन्हें एप्लीकेशन लाई है उसे भी बहुत लंबा वक्फा लग गया, तुम्हें पता ही है नवंबर अक्टूबर नवंबर 2020 लगाई सी और रिसेंटली अभी इन्हों के पासपोर्ट स्टैंप होकर आए हैं। इन्हों का वीज़ा भी लग गया, इन्हों की बेटी नाल बैठी है उन्होंने लग गया, इनका नाम लवप्रीत सिंह है, ये फिलौर तो ने। आप छोटी जी गलबात इन्हों कर दें, लवप्रीत कि रहा तो एक्सपीरियंस है एंटायर एक्सपीरियंस साढ़े नाली वाइफ तो लैके हूँ तक का? बहुत वधिया जी, सानू तो यकीन ही नहीं हुंदा पिया कि ये भी ये दिन आना सीगा, क्योंकि असी होप गवा बैठे सीगे भी एक्चुअली साडे नाल जो पहला कंसल्टेंट ने बहुत गलत किया सी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो सानू किसी ने सुजैस किया सीगा कि तुहाडे कोल आईए, तो जिन्हें सुजैस किया सी एक्चुअली उन्होंने भी फाइल कोई फड़ रहा सीगा, साडी तां बहुत दूर की गल सी फाइल फट, पहले तुसीं उन्होंने भेजिया फिर मेरी वाइफ का लग्या फिर इन मुश्किलों तो बाद चो असी इन्ने गलत पेपर साढ़े को लेके आए सब कुछ करके, पर सानू नहीं पता की किया, साढ़े लिए तो जादू ही है जी। तो सानू भी इदा
ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਗਲਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਪਾਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਦੋ ਦੁਆਰੀ 6.5-6 ਬੈਂਡ ਫਿਰ 7 ਵਾਰੀ ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੈਪ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਨਾਲ ਆਓ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਸ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਅਨਨੋਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 80% ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ